लेकिन यहाँ की स्थिति जो है नहीं सुधरी, नहीं सुधरी और नहीं सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी? इसलिए नहीं सुधरेगी कि ये बलिया है, ये बलिया का विकास दिखाइए दोस्तों, ये बलिया का विकास है, ये देखते जाइए। हाँ एक मिनट, हम रखना एसडीएम से बात करने का प्रयास करते हैं। स्पीकर खोल, स्पीकर है। ठीक। आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया है, यहाँ के सारे प्रशासनिक आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया है, सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो एसडीएम हो रसना का, चाहे वो यहाँ मंडी परिषद का सचिव हो, सारे के सारे आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है दोस्तों। आउट ऑफ नेटवर्क इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि वो एरिया में कवर होते तो उनको दिखाई देता, उनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता दोस्तों। सब पे सब अंधे हैं, सब पे सब बहरे हैं, सब पे सब। दोस्तों ये है नवीन सब्जी मंडी रसना बलिया। यहाँ की सब्जी मंडी मात्र 7 से 8 साल पहले चालू हुई। सब्जी मंडी की रोड है, ये रोड दिखा दीजिए, ये रोड दिखा दीजिए, ये सब्जी मंडी है। करोड़ों रुपए का टैक्स जो है सरकार इससे ले रही है, ये जो है नवीन मंडी ले रही है, यहाँ के सचिव ले रहे हैं। यहाँ के लोगों को कौन कौन सी सुविधा मिल रही है दोस्तों? सुविधा ये मिल रही है, ये सुविधा मिल रही है दोस्तों, मैं चला जाऊंगा तो मेरा पैर खराब हो जाएगा। ये सुविधा मिल रही है दोस्तों, ये सुविधा मिल रही है, और ये रोड मिल रही है। रोड को दिखा दीजिए जरा दूर तक, ये रोड मिल रही है, और ये जो है बलिया की धरती है दोस्तों। बलिया की धरती पर एक से एक लोग हैं, पोस्टरों में विज्ञापन देने में कोई पीछे नहीं है। अभी आप चले जाएंगे, रामलीला का मंचन हो रहा है या फिर मेला लगा हुआ है, सारे नेता जो है वो कर्मठ है, सारे नेता कर्मठ हैं, सारे नेता जुझारू हैं, सारे नेता ईमानदार हैं। किसी को सब्जी मंडी नहीं दिखती दोस्तों। सब्जी मंडी इसलिए नहीं दिखती कि किसान आता है, किसान आ करके अपने खेत की फसल को यहाँ पर बेचता है, यहाँ पर थोक आड़ती है किसी तरीके से अपने बाल बच्चों का गुजारा करने के लिए। तीन दिन भर बिना पानी के, बिना लाइट के, बिना शौचालय की व्यवस्था के किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये दिखा दीजिए, ये व्यवस्था है यहाँ पर, ये व्यवस्था है कि यहाँ की दीवारें टूट गई हैं और आने वाले समय में ये भी दीवारें टूट जाएंगी। ये दिखाइए। माननीय विधायक जी, आप एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने मायावती जी का झंडा बरकरार रखा है बलिया में। आप एकमात्र विधायक हैं सर, आपका बड़ा सम्मान लोग करते हैं। उमा शंकर सिंह जी, आपका बड़ा लोग बलिया के सम्मान करते हैं। कभी रसना में फुर्सत मिले तो इस सब्जी मंडी में भी आइएगा, इस सब्जी मंडी में भी आइएगा विधायक जी आप, और देखिएगा कि सब्जी मंडी कैसे चलती है। सब्जी मंडी में ये गंदगी है, यहाँ से कीटाणु पैदा होंगे दोस्तों, और यहाँ से कीटाणु उड़ेंगे। ये सब्जी बेचने वाले भाई लोग हैं, इनके पेट में जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगी, ये मर जाएंगे। ये स्थिति है दोस्तों, ये बलिया है, ये बलिया है, ये बलिया का विकास है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला था कि का विकास जो है वो पागल हो गया। ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये हैंडपंप है दोस्तों, सालों से बंद पड़ा है। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब बताइए आपको कोई दिक्कत? ये देखिए दोस्तों, इसमें ये नल है, इसमें पानी नहीं है। हमको शर्म आती है कहते हुए दोस्तों कि ये नया है, तो पुराने की स्थिति क्या होगी? ये भृगु बाबा की धरती है दोस्तों, हमें अपने जिले की ऐसी चीजें दिखाने में बड़ी शर्म आती है दोस्तों, बहुत शर्म आती है, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, और हम इन बेशर्मों को इन लोगों को बेशर्म कहने में हमें भी शर्म आती है दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं वो सिर्फ टैक्स वसूलते हैं। भैया कहाँ गए अध्यक्ष जी, यहाँ टैक्स देते हैं आप लोग जी? जो मंडी कट के आती है, मंडी का जो टैक्स लगता है तो कितना लगता है? वो प्रशासन स्तर से जो है 2.5% जो है जी कुछ है, और कुछ सामानों पे जो है, कुछ जीन्स पे 1.5% है, 1.5%। तो इसकी रसीद मिलती है आप लोग? जी बिल्कुल। शौचालय कितने हैं? शौचालय एक है जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है, उसके संदर्भ में। आप लोग पानी कैसे पीते हैं? पानी हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, 20 रुपए का पानी खरीदते हैं भाई, 20 रुपए का ये भाई पानी खरीदते हैं, सवेरे शाम आड़ती का काम करते हैं, किसी तरीके से अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं, और इनके सारे भाई दुखी हैं। हम किसी से भी पूछ लेंगे, भैया दुखी हैं कि नहीं है बताइए, व्यवस्था से दुखी हैं कि नहीं? बिल्कुल। मंडी समिति को कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ के डीएम को कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ के सीडीओ को दिखाई नहीं देता, यहाँ के विधायक को दिखाई नहीं देता। भैया आप लोग दुखी हैं कि नहीं? भैया सब लोग दुखी हैं कि नहीं? और सभी लोग देखिए दोस्तों, हम आपको एक बात बताते चले कि बहुत सारे हमारे अखबार वाले भाइयों ने इस समाचार को चलाया,
बहुत सारी कई बार यहाँ के अध्यक्ष ने पत्र दिए सरकार को, लेकिन यहाँ की स्थिति जो है नहीं सुधरी और नहीं सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी? इसलिए नहीं सुधरेगी कि ये बलिया है, ये बलिया का विकास दिखाइए दोस्तों, ये बलिया का विकास है, ये देखते जाइए, ये बलिया की सब्जी मंडी है, ये देखिए, ये चेक पोस्ट है दोस्तों, ये चेक पोस्ट है, यह माल चेक होता है। यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ की स्थिति देखिए, ये स्थिति दिखाइए, ये स्थिति दिखाइए, ये सब्जी मंडी में ऐसे हमारा स्वागत होता है दोस्तों। हम हमारे घरों में जो सब्जियां पहुंचती हैं वो यहीं से पहुंचती हैं। जिले के बहुत सारे इलाके में रसना सब्जी मंडी की सब्जियां पहुंचती हैं और ये भाई लोग कीटाणु, जितने भी कीटाणु गंदगी से उड़ते हैं इनको ये अपने पेट में लेते हैं, इनको टीबी होता है, इनको कैंसर होता है, इनको तरह तरह से इन्फेक्शन होता है, ये फिर भी अपनी रोजी रोटी में लगे हुए हैं। कहीं यहाँ लाइट की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही दोस्तों, कोई पंखा नहीं चल रहा है, एक दो बल्ब लटके हुए हैं, ये सालों से बंद है, बिजली विभाग भी अंधा हो गया है, बिजली विभाग बहरा भी हो गया है, उनको दिखाई नहीं देता ये सब्जी बेचने वाले गरीब भाई लोग। भैया क्या हालत है यहाँ की? बहुत बुरा हाल चल रहा है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ मंडी हम लोग जमा करते हैं, कोई सुविधा मिलता नहीं है। अच्छा, मंडी शुल्क जमा करते हैं? हाँ, मंडी जमा करते हैं। तो आपने सचिव से नहीं बोला क्या? कर सचिव से बोला गया है, लेकिन सचिव उसको सुन नहीं रहा है। अच्छा, उसको सुन नहीं रहा है जी? नहीं। तो इससे ऊपर एसडीएम वगैरह को बोला कि नहीं बोला? सब बोला गया, लेटर भी पूछा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, ना शौचालय है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर लाइट है। ये भाई यदि दिन भर में 20 रुपए की मिनरल वाटर पी जाएगा, खरीद खरीद करके, तो कम से कम 10 बॉटल पी जाएंगे। 200 रुपए का ये पानी पी जाएंगे दोस्तों, ये गरीब लोग 200 रुपए का पानी पियेंगे तो सब्जी में इनको कौन सा मुनाफा होगा? ये सब्जियां हमारे घर तक कैसे पहुंचती है दोस्तों? किसान अपने खेत से तोड़ता है, यहाँ तक लाता है, नीलामी होती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, सरकार ने खोल दी है, नाम को खोल दी है, कोई रोड नहीं है यहाँ पर, कोई सड़क नहीं है, कोई सड़क दिखाई नहीं दे रही मुझे, हाँ कोई सड़क दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे जल जमाव की स्थिति है। हम आपका परिचय कराएंगे, ये हमारे छोटे भाई हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नियाज अहमद है, टॉप भारत न्यूज 24 का मैं रिपोर्टर हूँ और खुद मेरा चैनल है। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से हजारों बार ऐसा खबर चलाया हूँ, बहुत सारी बार मैंने खबर चलाया, जल हल्की सी बारिश में जल जमाव हो जाता है यहाँ पे, लेकिन प्रशासन आज तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। ये अभी एक नौजवान पत्रकार है, इन्होंने कई बार सब्जी मंडी की व्यवस्था को उठाया, स्थानीय निवासी है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम नियाज अहमद, नियाज अहमद है और स्थानीय निवासी है। देखिए और देखिए व्यवस्था, बारिश कई दिनों हो गया है, लेकिन देखिए कैसा रोड का स्थिति है। देखिए 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 बलिया की जिलाधिकारी महोदया, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए बलिया की जिलाधिकारी महोदया, किसान पर आते हैं यहाँ, देखिए अपना माल लेकर आते हैं, ये कहाँ कौन सी गंदगी में ये खड़े हुए हैं, पानी का निकास नहीं है, ये नाला निर्माण तो हुआ है, किसान भी जाते हैं बाइक से लेकर, किसी तरीके की व्यवस्था कुछ नहीं है कहीं से भी, ये गंदगी दिख रही है। इस गंदगी के लिए मंडी समिति जिम्मेदार है, जो टैक्स लेती है, जो शुल्क लेती है। ये देखिए, ये दादा यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये खाने की चीज बेच रहे हैं, यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, वहाँ जानवर है, यहाँ जानवर है, लिम्पी बीमारी फैली हुई है, इसमें यदि कोई कीटाणु होगा मैं इसको खरीद के खाऊंगा दोस्तों, मरेगा कौन? मैं मरूंगा दोस्तों, लेकिन मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, यहाँ किसी को मरने नहीं दूंगा। मैं जिलाधिकारी महोदया, विधायक महोदय जी, मंडी समिति के सचिव महोदय, मैं आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि इसकी स्थिति एक महीने के अंदर अंदर नहीं सुधरी दोस्तों, मैं यही आंदोलन करूंगा, मैं यही सत्याग्रह करूंगा दोस्तों। हम बलिया का नाम बदनाम नहीं होने देना चाहते, इसलिए नहीं होने देना चाहते क्योंकि बलिया शुरू से बागी रहा है और शुरू से उसने भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पे अव्यवस्था है दोस्तों। क्या क्या दिखाएंगे आपको, थोड़ा आपसे बात करते हैं भैया। ये मंडी, ये मंडी मंडी कब स्थापित थी, थोड़ा बताइए। सर पहले मैं अपना परिचय दे दूं? हाँ हाँ बताइए। मेरा नाम मुख्तार अहमद है जी, मैं फल व सब्जी व्यापार मंडल सड़ा का अध्यक्ष जी। जी ये मंडी सन 2013-14 में स्थापित हुई जी, जी। और जब से मंडी स्थापित हुई है जी, तो कोई जो है हमको नई सुविधा नहीं मिली है जी, जी। और जो पुरानी सुविधाएं मिल भी रही थी वो भी भिन्न हो गया है जी। वर्षों से सफाई व्यवस्था निम्न है जी, जी।
और थोड़ी सी बात इसमें पूरी मंडी कीचड़ में चली। जिम्मेदार कौन है भाईजान? एक बात, मंडी प्रशासन जिम्मेदार है। मंडी प्रशासन को आप लोग बोलते हैं, पत्र तक दे चुका हूँ, 50 पत्र तक दे चुका हूँ 2020 अभी नजदीक। अभी एसडीएम रसना को फोन लगाइए। अभी जस्ट पत्र तक में पिछले सितंबर में एक पत्र 13 तारीख को 3 पेज में जी, और 15 तारीख को भी 3 ही पेज में दिया हूँ जी, जी। जिसमें सफाई और नाली और शौचालय के संदर्भ में जी, जी। और पिछले महीने जो है मैं माननीय एसडीएम महोदय से भी मिल के आया हूँ और उनको 6 पेज में पत्र दिया हूँ जी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी भी इन भाइयों की मजबूरी के प्रति कितने उदासीन है इन भाई के बयान से पता लगता है। अभी हम एसडीएम रसना से बात करने का प्रयास करते हैं, मंडी परिषद के सचिव से भी हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन बात करने से होता क्या है ये भी देखना है दोस्तों। नहीं होगा, एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, ठीक एक महीने के बाद आज की ही तारीख को हाँ एक मिनट, हम रसना एसडीएम से बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा स्पीकर खोल, स्पीकर है। ठीक 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 बोलिए। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं वो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया है। यहाँ के सारे प्रशासनिक आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया है, सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो एसडीएम हो रसना का, चाहे वो यहाँ मंडी परिषद का सचिव हो, सारे के सारे आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है दोस्तों। आउट ऑफ नेटवर्क इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि वो एरिया में कवर होते तो उनको दिखाई देता, उनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता दोस्तों। सबके सब अंधे हैं, सबके सब बहरे हैं, सबके सब गूंगे हैं और सब योगी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश भी हो सकती है दोस्तों। हम अभी बात करने का एक बार और प्रयास करेंगे। एक बार और किसान सब्जी लेके आता उलारी जाता है, गोरा टूट के टूट जाता, बरोबर हो जाता गोरा वासा। हां नहीं लग रहा सर, नहीं लगेगा, एसडीएम का फोन नहीं लगेगा कि हमारे दूसरे भाई मिला रहे हैं फोन, लेकिन नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि मंडी परिषद वाले भूखे मर जाए, मंडी परिषद वाले कमाए ना कमाए, मंडी परिषद वाले मंडी में तो हमें गिर जाता है, गोड़ा टूट जाता। अच्छा अच्छा, मतलब आपको रोड बहुत खराब है? बहुत खराब है, कचरा है बहुत ज्यादा, पास भी है इसमें, तो समिति करे बंद कर दे, क्या दिक्कत है हम लोग के? देखिए दोस्तों, ये वो किसान है जो सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से ये चलता है। हम जो भी सब्जी खरीदते हैं दोस्तों, उसका टैक्स जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोग देते हैं, और हम जो है जब फुटकर में सब्जी खरीदते हैं तो हम भी टैक्स देते हैं दोस्तों। हमारे टैक्स का दुरुपयोग आप देख लीजिए। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।